और कल से हम रिस्पॉन्स इतना आ गया कि शाम को सुबह से 3 बजे के बाद इतना फोन आए, शाम 4 बजे सोया हूँ मैं, और पैसे भी अमाउंट हमारे पास 15 से ऊपर ऊपर। इनका जब खाता मैंने शुरू में चेक किया था उसमें सिर्फ 50 और 100 रुपए पड़े थे, आज वो 21 लाख रुपए लेकर बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ जनता की वजह से, और वो हमने देख लिया है कि इंसानियत सच में जिंदा है। तो लगभग 1,01,000 रुपए का डोनेशन, सबसे बड़ा अमाउंट इन्हें डोनेट हुआ है 1,01,000 का जी। और वो जो अमाउंट है वो इंटरनेशनल लेवल से आया हुआ है जी, क्या बात। मतलब यहाँ पे जो डोनेशन आई है मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई और आपका इजिप्ट। जैसे फोन मैंने भाई बोल रहे हैं, जैसे फोन स्विच ऑफ कर दिया, घर वाले बोल रहे हैं तंग, फोन बहुत होना रहे जी। और सभी का धन्यवाद करता हूँ, और कल से हम रिस्पॉन्स इतना आ गया कि शाम को सुबह से 3 बजे के बाद इतना फोन आए, शाम 4 बजे सोया हूँ मैं, और पैसे भी अमाउंट हमारे पास 15 से ऊपर ऊपर आ गया है, और सबका धन्यवाद और दिल से गहरे से जी। तो अभी राव्या कैसी है, ठीक है राव्या? अभी ठीक है राव्या, ठीक है। क्या लगता है अब आपको राव्या का इलाज अच्छे से हो जाएगा? हाँ जी, अब बहुत अच्छे से हो जाएगा इलाज इसका, अब टेंशन नहीं, हम कुछ टेंशन नहीं ले रहे जी, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन अब नहीं। कोई आप गलत स्टेप तो नहीं उठाएंगे? नहीं जी, कोई गलत स्टेप। चलिए, लगभग जो डोनेशन है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि एनजीओ के अकाउंट में तो लगभग हमारे पास जो है वो 5.5 से 6 लाख के करीब आ चुका है जी। बाकी जो इनके खाते में लग से डला है वो 15 लाख के करीब है जी। तो गिनगिला के लेके चले तो 21 लाख के करीब डोनेशन है जी। इनका जब खाता मैंने शुरू में चेक किया था उसमें सिर्फ 50 और 100 रुपए पड़े थे, आज वो 21 लाख रुपए लेकर बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ जनता की वजह से जी। मतलब आज सच में ये एहसास हुआ है मुझे भी कि हम अगर एनजीओ से ये काम कर रहे हैं तो एनजीओ जो है वो मतलब एक मीडिया के साथ या पब्लिक की सपोर्ट के साथ ही चलता है जी। और वो हमने देख लिया है कि इंसानियत सच में जिंदा है जी। हिमाचल में ही नहीं, क्योंकि जैसे ही कल से आपने ये न्यूज चलाया था उसके बाद कंटिन्यू मुझे कॉलें आती रही है, अभी भी कॉलें चल रही है, बल्कि मुझे थोड़ी देर के लिए फोन स्विच ऑफ करना पड़ा है, बट कंटिन्यू कॉलें आ रही है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इनके लिए जैसे मेरी इनसे बात हुई थी तो लगभग 1,01,000 रुपए का डोनेशन, सबसे बड़ा अमाउंट इन्हें डोनेट हुआ है 1,01,000 का जी। और वो जो अमाउंट है वो इंटरनेशनल लेवल से आया हुआ है जी, क्या बात। मतलब यहाँ पे जो डोनेशन आई है मलेशिया, इंडोनेशिया जी, दुबई और आपका इजिप्ट जी, इन 4 जगह से मेरे साथ खुद कॉन्टेक्ट हुआ है पर्सनली बंदों का, जिनमें मैंने उनको इनका नंबर भी दिया था, और उन्हीं में से कोई एक है जिसने इतना बड़ा अमाउंट इन्हें डोनेट किया है जी। बाकी तो डोनेशन आपके सामने ही है कि कितना, लाइक 100 रुपए, 50 रुपए, मतलब जितना भी जिसने किया है वो डोनेशन सबसे बड़ी है जी। यहाँ तक कि कुछ ऐसे व्यक्तियों की कॉल्स आई है मुझे कि वो डॉक्टर है, पीजीआई में है, कि आप हमें इनकी डिटेल भेजिए, ये पीजीआई आते हैं, हम इनका वहाँ पे सारा इलाज खुद देखेंगे जी। वो पेडियाट्रिक्स में है। बिलासपुर से मुझे कुछ कॉल आई है कि एम्स में वो वर्क कर रहे हैं जी। कि जो इनका सक्सेशन के लिए पाइप लगती है वो सारी पाइप का खर्चा हम देखते हैं। देहरादून उत्तराखंड से मुझे कॉल आई है एम्स ऋषिकेश से जी। कि इनकी पर्चियां आप हमें भेजिए जितना भी हो सकता है, या आप इन्हें एम्स हमारे पास ट्रांसफर करिए, सारी बिटिया का इलाज हम करेंगे जी। तो मुझे नहीं लगता कि, मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि इतना हम कर पाएंगे, क्योंकि जब मैंने ये शुरुआत की थी तो मैंने जो सिर्फ रखा था वो इतना रखा था कि 2.5 से 3 लाख इनका खर्चा आना है जी। तो वो पैसा इनके पास होना चाहिए जी। जिसका प्रयास जब मैंने शुरू किया तो 60-70 हजार मैंने इकट्ठा भी किया जी। पर मुझे उसके बाद एक हौसला मिला कि हम कर सकते हैं, बट जैसे ही आपके साथ जुड़ना हुआ ये मतलब उसका 5 गुना 6 गुना आप ले सकते हैं कि उतना अमाउंट हमारे पास आ चुका है, और अभी भी लोग कर रहे हैं कंटिन्यू जी। अभी भी मतलब डोनेशन अभी कंटिन्यूअसली आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी, क्योंकि आपकी न्यूज के बाद से बहुत इफेक्ट पड़ा है। मैं तो बल्कि सबका धन्यवाद ही करूंगा, और यही चाहूंगा कि जो आप कर रहे हैं वो शायद किस रूप पे आप बिटिया के लिए कर रहे हैं जी। वो बिटिया जाने और आप जाने जी। कि क्या कर्म आपके और उनके आपस के मिले हैं कि इतना पैसा इनको मिल रहा है जी। अगर रावे के पिताजी कुछ कहना चाहे तो? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और सभी विदेशों से बहुत फंड आ रहा है, अभी भी हम
जैसे फोन मैंने भाई भाई बोल रहे हैं जैसे फोन स्विच ऑफ कर दिया, घर वाले बोल रहे हैं तंग फोन बहुत ऑन आ रहे हैं, फोन बहुत आ रही है, बातचीत भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसी है, क्या हुआ इसको, कैसी प्रॉब्लम थी, किसने डॉक्टर ने ऐसा केस किया इसका जी। उसके बाद बहुत फोन आ रहे हैं हमको। कोई अभी तक मंडी अस्पताल से कोई फोन नहीं आया? नहीं, मंडी अस्पताल से कोई फोन नहीं आया। रेड क्रॉस वाला आया सुबह, उन्होंने 2000 डोनेशन दी जी, रेड क्रॉस वाले आए थे आपके पास। अगर बात करें कोई ऐसा एक फोन आया हो जो आपको लगा हो कि जिन्होंने बहुत ज्यादा कुछ रावे के लिए किया हो या कोई बातचीत आपकी हुई हो? नहीं, एक फोन आया था जिसमें 1,00,000 का चेक दिया उन्होंने, सबसे बड़ी डोनेशन उन्होंने दी हमको जी, सबसे बड़ा डोनेशन। तो ये जो भी दानी सज्जन रहे होंगे, नाम तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जिन्होंने 1,01,000 रुपए का जो डोनेशन दिया है ये बहुत बड़ा अमाउंट है और इससे जो है इनके लिए बहुत बड़ी सहायता हुई है। लेकिन जिन्होंने 1, 2 और 20, 50 रुपए दिए हैं उन्होंने भी बहुत मदद की है, तो आप सबका धन्यवाद करते हैं। निखिल जी, अगर आप कुछ कहना चाहें? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मदद इनके लिए आई हुई है, ये मदद किस रूप में है मैं नहीं जानता हूँ, बट मेरा सबसे निवेदन यही रहेगा कि आप लोगों की दुआ अब उस बच्ची के लिए सच में मायने रखती है जी, बिल्कुल। चाहे वो धन की वजह से आई हो या मन की वजह से आई हो, वो दुआ ही बहुत मायने रखती है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अलग अलग रूप में दुआ इस बच्ची को दी हुई है। किसी ने कुछ मदद की है, किसी ने कुछ मदद बोली है, क्योंकि मेरे पास एक कॉल ऐसा आया है जिनका नंबर मैंने इनके साथ शेयर भी किया है कि जब भी ये चंडीगढ़ जाए उनका रहने का खाने का सारा खर्चे का इंतजाम वो करेंगे वहाँ पे, जब तक बच्चिया का इलाज चलेगा जी। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि मतलब धन्यवाद निखिल जी, हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं अभी भी मदद के लिए आगे हैं, इतनी क्रूरता भी हमारे लोगों में नहीं है। नहीं, बिल्कुल जी जी, ये आज सच में साबित हो गया है कि क्रूरता नहीं है जी, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट जी, सोचा नहीं था कि इतना ह्यूज अमाउंट कहीं से इकट्ठा हो सकता है जी। कोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें HR@goyalmotors.com पर।